मिक्स दाल बनाने जा रहे हैं। इसमें है अरहर, मूंग, मसूर, माटी कलाई का दाल और चना दाल। ये आधा कटोरी दाल है, इसको हम भिगो देंगे। आप 1 हवा, ये आधा कटोरी दाल है। ये दाल अमोसा की, आज अमोसा है इसलिए हम बनाने जा रहे हैं। ये आधा कप दाल है, उसमें हम पानी डालकर इसको भिगो देंगे आधा घंटा के लिए। ये आधा इसको हमने धो लिया है, अब इसमें कुकर में डालेंगे। ये टमाटर भी हम इसमें डाल देंगे, हम इसको उबालना है। ये हल्दी डाल देंगे, ये नमक डाल देंगे, इसको यही डाल देंगे। हम 1 गिलास पानी इसमें डाल देंगे, फिर आधा गिलास डाल देंगे। सिलावट बैठाते हैं, 4 सीटी मारेगी तो हम उतार देंगे। ये कुकर में मेरे 2 सीटी तो मार चुकी है और 2 सीटी मारेगी तो इसको हम बंद कर चुकेंगे। इसमें तड़का लगाएंगे, तेल हम गरम बैठा दिए हैं। अब इसमें हम तेज पत्ता, लाल मिर्च पाउडर, सूखी लाल मिर्च गरम करने के लिए बैठा दिए। इसमें तेज पत्ता, सूखी लाल मिर्च और जीरा डाल दिए। ये हम सिर्फ सूखी लाल मिर्च से ही हम फ्राई करेंगे, प्याज व्याज इसमें हम नहीं डालेंगे। और हम दाल में टमाटर डाल चुके हैं इसलिए टमाटर भी नहीं डालेंगे। हम सूखी लाल मिर्च से ही करेंगे। देखिए हमारा सूखी लाल मिर्च खत्म पूरा हो गया, अब इसे हम दाल का तड़का लगाएंगे। ये दाल को मैंने तड़का लगा चुके हैं और थोड़ी काढ़ी हो जाएगी तो इसको हम बंद कर देंगे। इसमें हम प्याज नहीं डाले हैं, पर टमाटर उबालने के लिए दिए थे तो टमाटर है इसमें। ये हम सिंपल रेसिपी बना रहे हैं तार के तक। इसको आप खाइएगा, बहुत ही टेस्ट लगता है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू। मिक्स दाल बनके तैयार हो चुका है। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।